नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा अदानी पावर के स्टॉक के बारे में। पूरे अदानी ग्रुप में गिरावट है, क्यों है वो मैं आप सभी के साथ काफी बार शेयर कर चुका हूं, फिर भी आप लोगों की क्वेरीज आ रही है तो मैं वीडियोज बना रहा हूं। अभी भी आप किसी और स्टॉक की वीडियो चाहते हैं इसी प्रकार जिस प्रकार मैं अदानी पावर पे अभी बात करूंगा, तो कमेंट बॉक्स में नाम डाल देना। बस यहां पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि कल गिरावट होगी या तेजी होगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक विवाद वाला सीन है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बता देगी, ये प्योर प्योर प्रिडिक्शन का गेम चल रहा है यहां पे। कोई भी अच्छी खबर अदानी ग्रुप के फेवर में स्टॉक ऊपर, कोई भी खराब खबर अदानी के विपरीत स्टॉक नीचे, ये चल रहा है सिंपल। अब वो न्यूज हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यहां पे प्योर न्यूज बेस्ड स्टॉक्स हो गए। अब ये सेबी कहीं ना कहीं जांच करेगी, ये अभी इनके लिए खराब है। वो जांच में कब क्या नेगेटिव या पॉजिटिव निकल जाए हमें आपको नहीं पता। हाइडनबर्ग पीछे पड़ी गई है, आईपीओ का रिस्पॉन्स सुस्त हो जाएगा, इनकी पेरेंट कंपनी डाउन जाने की तैयारी कर रही है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा नेगेटिव इस समय माहौल ज्यादा बन गया। और इन सबसे ज्यादा नेगेटिव ये कि आपके और न जाने कितने सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको इस समय अदानी ग्रुप के हर एक स्टॉक में डर लगने लगा है। और ये जो सीन क्रिएट हुआ है ना, इतनी शार्प फॉल, ये अगले 6 महीने 1 साल के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में बैठ जाएगी बात कि मेरे को ना अब ऊपर वाले लेवल पे पोजीशन कट करके दोबारा कभी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में निवेश नहीं करना। काफी सारे लोग इस तरीके की कसमें खा लेंगे, मेरे को पता है होता है इस तरीके का। एंड डेफिनेटली बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका स्टॉक्स के ऊपर, लाइक IRCTC पे जैसे पड़ा था ना, इतनी अच्छी शानदार कंपनी, लेकिन एक गवर्नमेंट का फैसला और दोबारा रिटेल इन्वेस्टर उसमें निवेश करने के लिए जल्दी से सोचते नहीं है। चलिए छोड़ते हैं ये सारी बातें, मैं आपको इसके फंडामेंटल्स न्यूमेरिकल बेसिस पे सब कुछ बताने वाला हूं। देखिए, दो तरीके से स्टॉक को एनालाइज करा जा सकता है, एक कहीं ना कहीं फंडामेंटली आप क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव, या हम क्वांटिटेटिव बेसिस पे एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव पे बात करेंगे तो इस समय वो सब खराब चल जाएगा। हम मैनेजमेंट को इस समय नहीं समझ पाएंगे, हम कंपनी के कारोबार को इस समय नहीं समझ पाएंगे, जो वाद विवाद चल रहा है वो हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, समझ हमें सब आ रहा है, लेकिन क्या डिसीजन आएगा वो प्रिडिक्शन वाली बात है पूरी। तो हम इस समय क्वालिटेटिव पे बात ना करके क्वांटिटेटिव पे बात करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने वाला हूं मैं स्क्रीनर की मदद से। यहाँ पे मैंने जो ऐप ओपन कर रखी है वो है स्क्रीनर, गूगल पे आप भी जाके सर्च कर सकते हैं। बस शायद आपको वो नंबर्स, वो चीजें समझ में नहीं आएंगी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 248 रुपीस के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 5% के सर्किट पे नीचे गया है, और इसीलिए स्टॉक सबसे कम गिरा है क्योंकि इसका सर्किट ही सबसे छोटा है 5% का। लगभग 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई 433 का है, 52 वीक लो 106 का है, यानी कि मिडल में ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बर्बाद कर दिया, वो बात अलग है कि रिटेलर्स ने खरीदा ऊपर है तो वो ऑब्वियस सी बात है बर्बाद हो गए हैं, जो कि तेजी में तो उन्होंने रखा नहीं, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करा और जब गिरने लगा तो रखा हुआ है अभी तक, ये फैक्ट है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल पर स्टॉक का देखोगे तो आपका सर घूम जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 370% है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी पता है क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मैं 1,00,000 रुपए किसी स्टॉक में लगा रहा हूं, मेरा अगले साल 1,00,000 का अगर 10,000 रुपए बन रहा है तो वो 10% रिटर्न ऑन इक्विटी है। 50,000 बन रहा है वो 50% है, पूरा 1,00,000 बन रहा है वो 100% है, 2,00,000 बन रहा है वो 200% है, 3,00,000 बन रहा है वो 300% है, 3,70,000 बन रहा है वो 370% है। तो 1,00,000 रुपए का 3,00,000 रुपए, 1,00,000 का 4,70,000 कराया इस स्टॉक ने और ये 370 का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है। नॉर्मल सी बात है, इस रिटर्न ऑन इक्विटी पे स्टॉक ट्रेड नहीं कर सकता। अब यहां दो चीजें मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बताता हूं, और पहले भी बात करिए, ऐसा नहीं है इस फॉल में बोल रहा हूं। स्टॉक वन साइडेड जब भाग जाता है ना तो वो अगले कुछ सालों के लिए साइडवेज हो जाता है, फिर वो सब एवरेज होता है। अब आपको कोई एक साथ 10 रुपए दे दे छोटे लेवल पे समझे, या फिर वो हर महीने 2-2 रुपए दे, 2-2 रुपए हर महीने देगा तो भी आपको 5 महीने में 10 रुपए आएंगे। एक महीने में ही वो 10 रुपए दे दे और 4 महीने तक कुछ भी ना दे तो भी वो 5 महीने में 10 रुपए ही रहे ना, तो यही स्टॉक के साथ होता है। एक साथ भाग गया साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज है एक साथ भागेगा, धीरे धीरे भाग रहा है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब आते हैं इसके थोड़े फंडामेंटल्स पे। देखिए, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.95 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू की बात करें तो 62 रुपीस की है और स्टॉक अभी भी 248 पे, 6 टाइम्स की 6 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है अभी भी ऑलमोस्ट। पीयर कंपैरिजन करेंगे तो पावर ग्रिड 10 के पीई पे है, अदानी पावर भी 9 के पीई पे है, NHPC 11 के पीई पे, अदानी ग्रीन तो छोड़ देते हैं, अदानी ट्रांसमिशन भी छोड़ दो, वो तो बहुत महंगे हैं।
तो यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से अदानी पावर महंगा नहीं दिख रहा है, लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से महंगा है। अब आगे आते हैं, अर्निंग पर शेयर देखता हूं मैं भाई किस हिसाब से जंप कर रहा है। जितना ज्यादा जंप करेगा उतनी ज्यादा ग्रोथ दिखेगी मुझे, और उस हिसाब से मैं इसको मल्टीपल्स देता हूं। अब देखिए, जून क्वार्टर में 12 का अर्निंग पर शेयर था, लेकिन सितंबर क्वार्टर में 1.80 का रह गया, यानी पूरी तरीके से अर्निंग पर शेयर खत्म हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो मुझे सही जजमेंट मिल नहीं रहा, तो मैं आ जाता हूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो भाई 2020 में माइनस में था अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट 6 के, 2021 में लगभग 3.5 के अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव हुआ, और 22 में तो 12.73 पे आ गया ये अर्निंग पर शेयर। और TTM बेसिस पे देखूं यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स, तो वो 26.80, तो बहुत हैवीली ग्रो कर रही है कंपनी। अगर इस हिसाब से ग्रो करती है और 26 का मैं अगर इसका जिस हिसाब से भाग रहे, देखिए 12 से 26 यानी ऑलमोस्ट मोर देन 100% का जंप है। मैं 50% का ले लूं और ट्रेलिंग पे ही ले लें 26 पे, तो यानी इस साल तो हम छोड़ देते हैं, 2024 के एंड तक देखते हैं, तो 26 पे 50% मैं और ऐड करूंगा तो 39 का हो जाएगा मेरा अर्निंग पर शेयर, ठीक है। और 39 को अगर मैं 10 का पीई देता हूं तो 390 रुपीज होता है। ये 2024 तक के एंड की बात कर दी मैंने, ठीक है। तो 390 रुपए निकल के आ रहा है मेरा, जो सेम प्राइस टू अर्निंग है सेम दे रहा हूं, जो ग्रोथ हो रही है वही ग्रोथ चाहिए मुझे, तो स्टॉक नॉर्मल बेसिस पे 390 रुपए का हो जाएगा। ये मेरा क्लियर कट व्यू बन गया है, ठीक है। होप आप लोग ये समझ गए होंगे, अर्निंग पर शेयर को देखते हुए मैंने जजमेंट कराया, मैंने कुछ नहीं देखा। अब आते हैं आगे, अब मुझे लेकिन मुझे ग्रोथ यही रेट से चाहिए। अभी 100% की ग्रोथ करी है अर्निंग पर शेयर ने, मैंने 50% का जंप दिया है कंजर्वेटिव होके, तो भी मुझे 390 का बहुत दिख रहा है। अब मैं अगर इसकी बैलेंस शीट पढ़ूं तो शेयर कैपिटल घटा है जो कि अच्छा होता है। रिजर्व्स काफी तेज बढ़े हैं, यानी कि पहले जो माइनस में थे वो भी 20,000 करोड़ हो गए हैं सितंबर में, तो ये अच्छा दिख रहा है। बाकी 3 फरवरी को नंबर आ रहे हैं तो चेंज हो जाएगा, जो भी चेंज होगा मैं आपके साथ तब भी शेयर कर दूंगा। बोरोइंग्स देखें तो रिजर्व्स के मुकाबले मोर देन 2 times है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से घटती हुई दिखी है। मार्च में 48,000 करोड़ की इनपे बोरोइंग्स थी, अभी 45,000 करोड़ है, इसमें से लॉन्ग टर्म 34,000 है, शॉर्ट टर्म 10,000 है। तो लॉन्ग टर्म वालों को उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, शॉर्ट टर्म से प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल हम इसे 10,000 करोड़ का डेट माने और 20,000 करोड़ तो रिजर्व्स पड़े हैं, तो ठीक है, यहाँ भी कोई ज्यादा इशू नहीं दिखता है। स्टॉक की बात करें शेयर होल्डिंग, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर सबसे ज्यादा लेके बैठे हैं, FIIs 12.88% लेके बैठे हैं, बट DIIs ने जून में 5% था, अभी 0% कर दिया है, सब छोड़ दिया। पब्लिक पे जून में 7% था, अभी 12% है, तो पब्लिक ने बढ़ाई है। लेकिन यहां भी ओपल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड देखें तो 4.69%, यानी 12 में से 4.69 ऑलमोस्ट 5% घटा दूंगा, तो पब्लिक के पास केवल 7% इक्विटी है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में मुझे फंडामेंटली तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। जो भी है न्यूज बेस्ड दिक्कत है, स्टॉक दोबारा रिबाउंड करेगा ऐसा लगता है इसके नंबर्स देखते हुए। तो ये मेरा एनालिसिस था, होप आपको ये समझ में आई होंगी सारी चीजें, होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।